जो PMLN के जो पेपर्स स्पेशली या दूसरी जमातों ने दिए हैं, उन्होंने कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक एक चीज, एक एक पहलू को कवर किया, उसके बावजूद हमारे पेपर्स जो हैं रिजेक्ट हो। जो वकील के जरिए पेपर्स जमा करवाने की जिसने कोशिश की, उस वकील को उठा लिया गया। जमशेद दस्ती साहब हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनको नंगा किया गया है। क्या रियासत अपने मुल्क के शहरियों के साथ ऐसा सलूक करती है? सोची समझी साजिश है, जो कि खान साहब ने बड़ा वाज़ह तौर पर क्लियर कर दिया था। 12 महीने पहले उन्होंने कहा था कि लंदन एग्रीमेंट के जरिए नवाज शरीफ जो है उनको लाया जाएगा और जो PTI है उसको क्रैश किया जाएगा, मुझे अंदर डाल के इस साहबजादे के ऊपर बिठाने की कोशिश की जाएगी, जो कि नाकाम होगी क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूँ अली मुराद। नाज़रीन, इस टाइम इमरान खान की जो वकला की टीम है उसके नईम हैदर पंजौता साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिसकी वजह से PTI के उम्मीदवारों के जो है वो कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश जी। देखें, बात यह है कि अगर ये जो PMLN है स्पेशली जैसे उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हम ये नहीं कहते कि हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हम ये कहते हैं कि कम से कम हमें फील्ड दी जाए, कानून के मुताबिक डील किया जाए। हमारे तजवीज़ कुनिंदों को, तायद कुनिंदों को उठाया गया, और आप ये देख लें कि जो वकील के ज़रिए जो है पेपर्स जमा करवाने की जिसने कोशिश की, उस वकील को उठा लिया गया। तो ये अगर ऐसे ही आपका जो है वो सिलसिला चलेगा मुल्क के अंदर, तो फिर कैसे आप जो है वो कहेंगे कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है, मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती है, कानून है? कोई चीज़ नहीं है और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। मैं जो है बड़ा वाजिया कहना चाहता हूँ कि जो PMLN के जो पेपर्स स्पेशली या दूसरी जमातों ने दिए हैं, उन्होंने कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। और इसी तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए, तो वो भी उन्होंने कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिन जमातों ने भी करवाया, कोई उनका उन्होंने कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक एक चीज़, एक एक पहलू को कवर किया, उसके बावजूद हमारे पेपर्स जो हैं रिजेक्ट हो गए आपके सामने, इलेक्शन जो हैं रिजेक्ट हो गए। तो वो एक सोची समझी साजिश है, जो कि खान साहब ने बड़ा वाज़ह तौर पर क्लियर कर दिया था। 11 महीने पहले 12 महीने पहले उन्होंने कहा था कि लंदन एग्रीमेंट के ज़रिए नवाज शरीफ जो हैं उनको लाया जाएगा और जो PTI है उसको क्रैश किया जाएगा, और फिर जो है वो जो है इसको मुझे अंदर डाल के, मुझे डिसक्वालीफाई करके इस साहबजादे के ऊपर बिठाने की कोशिश की जाएगी, जो कि नाकाम होगी क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो जिसके साथ आवाम खड़ी होती है हमेशा उसको इकतदार मिलता है। आप जितनी धांधली की कोशिश कर लें, आप लोगों के तईद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे उठा लें। बड़ा अफसोसनाक वाक्य आपने सुबह देखा जो हुआ है कि जमशेद दस्ती साहब हैं, उनकी जो जो है वाइफ हैं, उनको नंगा किया गया है, और नंगा करके आप देखें कि फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया गया है। बच्चे रोते रहे, 10 माह का उनका जो है वो बच्चा था जो वो वहाँ पर जो है जिसके सामने जो है ये जुल्म व सितम जो किया जा रहा था। तो इस तरह की अगर चीज़ें पूरे पाकिस्तान, देखें स्टेट का क्या काम क्या होता है कि बुनियादी इंसानी हकूक की प्रोटेक्शन करना, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि कहाँ कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही हो तो वहाँ पर वो सो मोटो लें, वहाँ पर वो एक्शन लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की या लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त जो है वो दी जाती है तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल नज़र आती है। और अगर देखा जाए तो लोगों के साथ जो किया जा रहा है, क्या रियासत अपने जो है मुल्क के शहरियों के साथ ऐसा सलूक करती है? मुझे बताइएगा कि हमने देखा है कि PTI के जो वकला हजरात हैं, PTI के मेंबरान भी हैं, अब वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं तो उनके भी मुस्तरद हो रहे हैं। फिर ये चीज़ के बारे में बताइएगा कि वकला बिरादरी के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो उसका आगाज़ कर देगा, तो इस हवाले से वकला बिरादरी चीज़ को कैसे देखती है और क्या जो है लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, वकला जो है उनके साथ जैसे सलूक किया जा रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। और पहले देखें, हमेशा वकला ने रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए अपना आलम उठाया है। आपने देखा कि कुरम लतीफ़ खोसा साहब, उनको जिस तरह से रात को अरेस्ट किया गया एक झूठे मुकदमे में, इसी तरह से वकला गुजरात से उठाया गया। जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उनका जो वकील था आमर सईद रहा, उसको उठाया गया। तो ये जो सिलसिला है ये सिर्फ एक की हद तक नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ये जारी रहा है। वकला बिरादरी इस चीज़ को कैसे देखती है, और PTI की जो ऑफिशियल वकला की टीम थी उन्होंने इस चीज़ के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे भी बताया कि हमें पहले से अंदाज़ा था कि हमारे उम्मीदवार जो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन थी तो वो क्या सिर्फ आप एक्सपोज करना चाह रहे थे? देखें, इस तरह की जो प्लानिंग है ना, क्योंकि पूरी टीमें लगाई गई थी, ऊपर से हदायत जारी की गई थी कि PMLN को प्रोटोकॉल देना है, उनका कोई पेपर रिजेक्ट नहीं करना, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कोशिश करें कि सारे ही पेपर रिजेक्ट किए जाएं। ये उन्होंने कोई 10% जो पास किए ना, सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने के लिए, अदरवाइज़ जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने कही हैं वो
कभी पूरी ही नहीं की जा सकती इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, लेकिन पूरी जो है कोशिश करके उन्होंने कहा जी एक्साइज से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आएँ। फौरन ही टीमें दौड़ी और वहाँ से सर्टिफिकेट ला कर लगा दिए। मुझे मैं सिर्फ आपके चैनल, ये डेली पॉइंट है, मैं इसको कहता हूँ कि आपको किसी एक हलके के अंदर भेज दें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार है जिसके पेपर रिजेक्ट हुए हैं उसके भी पेपर चेक कर लें और दूसरे के भी कर लें, आप मेरिट के ऊपर फैसला कर दें, आपको समझ आ जाएगा कि मुल्क के साथ क्या साजिश हो रही है और सोचे समझे एक मंसूबे के तहत जो है पाकिस्तान तरीक इंसाफ को जो है वो साइड पर किया जा रहा है। और पाकिस्तान तरीक इंसाफ की बात नहीं है ये, 80% इस मुल्क की आवाम की बात है, और 80% आवाम को अगर वोट का हक नहीं देना कि वो अपनी मर्ज़ी से पार्टी मुंतखब कर सके, अपनी मर्ज़ी से नुमाइंदे मुंतखब कर सके, मजबूत उम्मीदवारों को पहले उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया कि वो तोड़े जाएं, फिर इन्होंने कहा कि ये तो खंभे को खड़ा करेंगे तो इसको भी वो भी जीतेगा, तो इन्होंने कहा जी कि अब ये खंभा भी नहीं होना चाहिए, तो खौफ इतना ज़्यादा है। अगर आपने हार मान ली है कि आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो जीत चुका है तो फिर आप एग्री करें ना, फिर आप क्यों भागते हैं। सर खान साहब का जिक्र किया तो खान साहब के कागजात नामजदगी मियाँ वाली हो लाहौर और यहाँ से भी मुस्तरद हो गए, तो खान साहब के इलेक्शंस की कंपेन को कैसे देखते हैं आप? देखिए खान साहब के जो इलेक्शंस की कंपेन है ना, इंशाल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करें और हमें उम्मीद है कि जब जूं ही मामला ऊपर आएगा, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाए या ये कहा जाए कि आप सजा याफ्त हैं तो नवाज शरीफ की अभी तहायात नाली ख़त्म नहीं हुई, और खान साहब किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट होते हैं तो उसके कैसे एक्सेप्ट होते हैं, और उसके एक्सेप्ट अगर किए जा रहे हैं तो फिर खान साहब के भी किए जाने चाहिए। वो एक कानून जो है वो दो लोगों के लिए अलग तो नहीं हो सकता ना, एक मुल्क के अंदर आपने दोहरा कानून का मेयार बनाया हुआ है, और जो मेयार 47 से बना आ रहा है उसको अब चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि आवाम के अंदर शऊर है, आप ये कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं कि आप जिसको जिधर कहेंगे उधर लगा देंगे, जिसको जैसे जो है वो करेंगे वो हो जाएगा। अगर खान साहब की रिहाई के बारे में बात की जाए तो पहले वकला बरादरी उनकी रिहाई के लिए बड़ी सरगर्म थी, अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो देखा जा सकता है कि उस रिहाई के लिए कोशा जो है वो मैं कहूँगा कम है, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट है। देखें अगर रिहाई की बात की जाए तो रिहाई के लिए बिल्कुल जी, हमारी बात यह है कि यहाँ पर कौन सा कानून है, अगर एक मुकदमे में बंदे की रिहाई होती है दूसरे में डाल दिया जाता है, 200 जो मुकदमा बनाया गया सारे ही झूठे हैं, सारे फेक हैं, दफ़े 144 के ऊपर 100 से ज़्यादा FIR दर्ज कर दी गई, अगर आप देखें तो तोशाखाना केस हो आपके सामने है, जूं ही हाई कोर्ट में गया सजा सस्पेंड हो गई, और आपने देखा कि 3 कार्रवाइयाँ तोशाखाना में चल रही हैं। अलकादर ट्रस्ट केस, खान साहब का खान साहब ने एक बेनिफिट नहीं लिया उसमें, वो तो एक ट्रस्ट है जिसको खान साहब ने इसलिए बनाया कि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पर इस्लामी तालीम हासिल करें, जैसे कि खान साहब ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई और इसी तरह से शौकत खान अस्पताल बनाया, और आपने देखा कि पूरी दुनिया से लोग इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप इधर इंटरव्यू कर लें, आप कह लें जी कि आप कमेटी डालना चाहते हैं तो आप इमरान खान के साथ कमेटी डालना पसंद करेंगे या नवाज शरीफ साहब के साथ पसंद करेंगे, तो लोग खान को ही नाम लेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग उधर कमेटी नहीं डालते, ठीक है, तो इतना बड़ा जो मुल्क है, ठीक है जी, उसकी हुकूमत जो है किसी ऐसे चोर चक्के को दे सकते हैं जिसने सिर्फ जिन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मामला सेट करने के लिए इस मुल्क में सिर्फ माल मंत्र और अपनी जदादें बनाने के लिए इक्तदार में आते हैं। वकला बरादरी की जानिब से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल या इलेक्शन से पहले पहले खान साहब की रिहाई जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? देखें अगर देखा जाए केस तो एक भी केस जानवर नहीं है, ठीक है जी, सारे केस झूठे हैं, फेक हैं, और अगर देखा जाए उस हवाले से तो एक केस जानवर नहीं है, और अगर लाकानूनीत की जाए तो फिर आप किसी को यहाँ पर जाता हुआ अकेला जा रहे हो, आप उसे पकड़ लें और कहें कि ये मुल्क के अंदर जो है ना अमन ख़राब करने के लिए निकला है। देखें 3 MPU के तहत जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली जजमेंट जो है दी है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोई बंदा भी अगर आप के जेन में आपके हो कि ये शायद जाकर इंतशार फैलाएगा या अमन ख़राब करेगा, उस बुनियाद के ऊपर आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते जब तक जाकर वो किसी जगह के ऊपर अमन ख़राब ना करे, लेकिन यहाँ पर बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है, बल्कि गिरफ्तार नहीं अगवा किया जाता है, और जूँ ही वो किसी जगह के ऊपर उन्होंने पहले तो वो है कि गायब होगा और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और अगर गायब नहीं होगा और सामने मीडिया ने देख लिया सारा कुछ कर लिया, फिर बाद में MPU के ऑर्डर जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये अमन ख़राब करने लगा है, तो कितनी लाकानूनीत है कि वो सिर्फ इरादे के ऊपर और सिर्फ ये करने के लिए काम को लीगल उसकी जस्टिफिकेशन बनाने के लिए ये करते हैं, जो कि हकीकी तौर पर एक मतलब एक बड़ा एक हरकत है कि आप कानून के साथ और आवाम के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं।
जी नईम हैदर पंजौता साहब की गुफ्तगू जानी सुनी जो है हमने, और इनसे जो है हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जो है वो यक्के बाद दीगरे जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।